ASUS Max Pro M3। हाँ गाइज, आप लोगों को यहाँ पे पता है गाइज, ASUS का Zenfone Max Pro M2 आया, M1 जो बहुत ही बढ़िया था। अब गाइज यहाँ पे आने वाला है M3 ASUS की तरफ से। हाँ गाइज, जो बहुत ही बढ़िया फोन होने वाला है। और इस फोन में गाइज हम इसी फोन के बारे में बात करने वाले हैं, ASUS के Zenfone Max Pro M3 के बारे में। मतलब इस बार तो नाम होने वाला है ASUS Max Pro M3, और इसमें बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन होने वाला है। ऐसा नहीं होगा तो पूरा वीडियो देखेगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लिए सब्सक्राइब तक आपने नहीं किया। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ASUS का जो Zenfone Max Pro M3 है, जो बहुत ही बढ़िया फोन होने वाला है, ASUS का Max Pro M3, सॉरी मैं अब नाम पता नहीं, कहीं कहीं Zenfone भी आ जाए, बट आपको पता है अलग हो चुका है। तो मतलब इस बार अब बस ASUS Max Pro M3 आने वाला है। बात करते हैं सबसे पहले गाइस इस फोन के यहाँ पे प्राइस सेगमेंट के बारे में, क्या फोन का प्राइस होने वाला है, फिर बात करेंगे स्पेसिफिकेशन, देन लॉन्च डेट बात करेंगे लास्ट में। बात करते हैं प्राइस सेगमेंट के बारे में, तो गाइस ये जो फोन है ये भी आपको अंडर 15,000 देखने मिलने वाला है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। बिकॉज अभी यहाँ पे देखो, मगर बढ़िया बात तो है, मगर एक बात है जो आपको कॉम्पिटिशन में ध्यान रख के अपना फोन लॉन्च करना पड़ेगा। बिकॉज 15,000 के सेगमेंट में इतना बड़ा, मतलब बहुत बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन पड़ चुका है, और आपको एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन लेके आना पड़ेगा अंडर 15,000। आप कमेंट करके बताएं आपको इस बारे में क्या लगता है। तो प्राइस वाइज ये फोन जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो 15,000 में आप बोल सकते हैं इसका बेस वेरिएंट चालू होगा, 6 GB या 4 GB 64 तो आपको मिल जाएगा। बात करते हैं कि जब इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में, सबसे पहले बात करते हो इस फोन के डिजाइन के मामले में। डिजाइन कैसे हमें यहाँ पे वैसे ही जैसा ASUS Zenfone Max Pro M2 में मिला था, वैसे ही कुछ जिसमें भी हमें देखने मिलेगा, बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की होगी एंड पॉलीगार्मेट की फील होगी। तो डिजाइन वाइज कोई नया फर्क नहीं है, बस आपको इस बार रियर कैमरास देखने मिल जाएंगे। बात कर लेता हूं बस इसके फ्रंट के बारे में, मतलब डिस्प्ले में। तो गाइस यहां पे मिलने वाला गाइस एक 6.4 इंच का एक फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले, जो एक हम एक फुल व्यू डिस्प्ले तो नहीं होगा, बट हां हमें यहां पे एक पंच होल डिस्प्ले मिल सकता है, जितनी एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। तो बढ़िया है, डिस्प्ले अच्छा होने, बट यहां पे गाइस बोला जा रहा है इसमें हमें IPS पैनल मिलेगा। अब IPS पैनल आता है तो गाइस यार एक उतना मतलब कुछ स्पेशल वाला काम यहां पे ASUS नहीं करता है। अब आप AMOLED पैनल आते हो इस डिस्प्ले इस प्राइस में, तो वो अलग हो जाएगा, एक स्पेशल बात आ जाएगी, आपका फोन AMOLED पैनल के साथ है, तो ये बात मुझे लग रहा है। बट हां अब आप IPS पैनल होता है तो देखा जाएगा कि फोन चलेगा कि नहीं, क्योंकि अब ये देखा ही जाएगा। तो इसमें यहाँ बोला जा रहा है कि हमें यहाँ पे एक 6.4 इंच का एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, बट पंच होल अच्छा है मिल जाएगा इस बार, और यहाँ पे एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले प्लस IPS पैनल देखने मिल सकता है। बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, इस परफॉर्मेंस में इस फोन के बारे में 3-3 लीक्स आई हैं, किन तीनों में से कोई ना कोई एक प्रोसेसर इसको आपको देखने मिल जाएगा कंफर्म है कि इसमें एक हो सकता है स्नैपड्रैगन का 675, आपको पता है बहुत ही बढ़िया अंडर 15,000। देन सेकंड होता है स्नैपड्रैगन 710, जो आपको पता है थोड़ा पुराना है बट ठीक परफॉर्मेंस दे देता है। देन द थर्ड एंड द बेस्ट गाइस स्नैपड्रैगन 712, आपको पता है स्नैपड्रैगन 712 होता है तो डेफिनेटली ये वीवो Z1 Pro को एक बहुत ही बढ़िया कंपटीशन दे सकता है वीवो के Z1 Pro को। अब आप मुझे कमेंट कर बताओ आपको इस बारे में क्यों लगता है, बिकॉज वीवो का Z1 Pro भी स्नैपड्रैगन 712 के साथ आता है, फुल एचडी प्लस डिस्प्ले प्लस IPS, तो यहां पे आपको भी मिलेगा, तो ये हो सकता है। तो बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इस फोन में देखने मिल जाएगी। बात करते हैं कैमरास के बारे में, बिकॉज इस बार हमें यहां पे ट्रिपल रियर कैमरास देखने मिलने वाले हैं। तो बात कर लेता हूं उसके मेन सेंसर के बारे में, तो यहां पे बोला जा रहा है इसका जो मेन सेंसर होने वाला है वो होगा 48 MP का कैमरा, जो सोनी के 586 सेंसर के साथ काम करेगा, जो बहुत ही बढ़िया बात मुझे लगी, बिकॉज 48 MP का मेन कैमरा दे रहे हैं तो एक अच्छी बात है। एंड देन आपको मिल जाएगा इसके साथ अल्ट्रा वाइड सेंसर, डेप्थ सेंसर, वो अभी पता नहीं कितने मेगापिक्सल का होगा, बट बढ़िया है ट्रिपल रियर कैमरास के साथ। यहां पे ASUS का ये पहला मतलब फोन होगा जो इस सीरीज में आपको ट्रिपल रियर कैमरास मिलेंगे, तो बढ़िया यहां पे आपको ASUS काम करके दे रहा है। फ्रंट कैमरा बात करते हो पंचोल के साथ हमें कितने मेगापिक्सल की सेल्फी मिलने वाली है, तो बोला जा रहा है इसमें 25 MP की पंचोल के साथ सेल्फी देखने मिल सकती है, जो है पर्सनली मुझे, मैंने जब सुना तो बहुत ही बढ़िया मुझे लगा, बिकॉज आपको यहाँ पर पंचोल भी मिल रही है, 25 MP सेल्फी भी हो जाएगी, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाएगा इस फोन के अंदर। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या लगता है। तो सच्ची में यहाँ पे मुझे कैमरा वाइज यहाँ पे वीवो का जो Z1 Pro वो अच्छा लगता था, बट अब मुझे लगता है कि उसको भाई अच्छा करने वाला ASUS का Zenfone Max Pro M3 आने वाला है, जो उससे बेटर कैमरा यहाँ आपको देगा। सॉरी ASUS Max Pro M3 बोला ना आपको, कहीं ना कहीं मेरे से निकल ही जाएगा। चलिए इस बात कर लेते हैं अब इस फोन के यहाँ पे कुछ बैटरी के बारे में, कितनी फोन में बैटरी होने वाली, तो मैं आपको बता दूं इस फोन में मिलने वाली 5000 mAh की बैटरी मिलेगी आपको, और टाइप सी भी मिल जाएगा आपको, फास्ट चार्जिंग भी मिलेगा, तो ये भी बहुत ही बड़ी बात है यार, फास्ट चार्जिंग भी है, टाइप सी भी, और 5000 mAh की बैटरी है, आपको पता है ये दोनों फोन में बहुत ही बढ़िया बात होती है बैटरी इस फोन में बहुत ही, मतलब अब आजकल लोगों को आजकल बैटरी तो चाहिए ही चाहिए फोन के अंदर, तो 5000 mAh की एक बहुत ही बढ़िया बैटरी आपको देखने मिल जाएगी, एंड टाइप सी भी मिलेगा, फास्ट चार्जिंग भी मिल जाएगी। UI के बारे में बात करूँगा तो इसमें आपको पता है ये स्टॉक एंड्रॉड आता है, तो बहुत ही बढ़िया फील आपको मिल जाएगी इस फोन के अंदर। एंड ये है गाइस पूरा ASUS का Zenfone Max ASUS Max Pro M3। एंड आप मुझे कमेंट कर बताएं आपको इस बारे में क्या लगता है, एंड बिकॉज मेरी जो ओपिनियन है इस फोन के लेके बहुत ही बढ़िया है। एंड आप थोड़ा बस एक यहाँ पे डिस्प्ले तो बस जैसे IPS भी हो जाता है, बट प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 712 होता है, इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है, मेन सेंसर 48 MP का होता है, सेल्फी 25 MP सेल्फी होती है, पॉलीगार्मेट का डिजाइन तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, बट ये जो चीज़ें ये हो
होती हैं, तो डेफिनेटली ये फोन आपको बढ़िया वीवो जीवन प्रो को एक बढ़िया कंपटीशन देने आ सकता है। और आप मुझे कमेंट कर बताओ आपको इस बारे में क्या लगता है। वीडियो पसंद आया यार तो जरूर को लाइक कर देना, चैनल को लो सब्सक्राइब अभी नहीं किया है क्योंकि मैं आपके लिए टेक से रिलेटेड डेली वीडियोज लाते रहता हूँ। अभी तक आपने कल के दो वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लो, मैं डेली दो वीडियो कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए लाने के लिए। आप बताना कमेंट करके ASUS ZenFone Max Pro M3 के बारे में क्या लगता है, ZenFone नहीं यार ASUS Max Pro M3 के बारे में क्या लगता है, कुछ थॉट्स आप भी अपने कमेंट करके मुझे बताओ, शेयर करो। बिकॉज मुझे इस फोन का जो है डिस्प्ले पंचोल मिल रहा है वो थोड़ा अच्छा है, प्रोसेसर मेरे को अभी तक कंफर्म नहीं है ना, तो ये जब तक कंफर्म नहीं होता जब तक फोन हम बोल नहीं सकते कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।